आंध्र प्रदेश और कोविदा लिमिटेड सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने संयुक्त रूप से सोमवार को राज्य सचिवालय में गुणवत्ता शिक्षा और कौशल के लिए प्रणाली शुद्धिकरण पर एक दिवसीय संगोष्ठी आयोजित की। संगोष्ठी का उद्देश्य बुनियादी स्तर से उच्च स्तर तक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना और कौशल प्रदान करना, ताकि भारतीय युवा 21वीं सदी के अवसरों और चुनौतियों के लिए तैयार हो जाए। आयोजकों का मानना था कि प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए कर्मियों की क्षमता बढ़ाने, वितरण क्षमता में वृद्धि, वैधानिक नियमों में सुधार, समन्वय, सहयोग और टीम निर्माण सुनिश्चित करने और सिस्टम दक्षता और वितरण में सुधार करने के लिए विश्लेषणात्मक क्षमता में वृद्धि जैसे विभिन्न पहलों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। आयोजकों ने दावा किया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2016 के तहत विकास के तहत व्यवहारिक क्षेत्र कार्यान्वयन रणनीतियों के माध्यम से NEP मुक्ति का मसौदा तैयार करना इस समय की आवश्यकता है।